अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आपको आज तक के मेरे सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी किस्म का कोई मसला हो या आप अपनी मर्जी का कोई टॉपिक समझना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ ही अगर वीडियो में आपको मेरी अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, रिपल टाइम। हम देखेंगे कि हम इस ऑपरेटर्स की मदद से वेव्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं और उन वेव्स के अंदर हम दो किस्म के फिनोमेना का मुशाहदा करेंगे, एक रिफ्रैक्शन का और इसके अलावा आपके पास आएगी डायफ्रैक्शन। तो इन दो फिनोमेना को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना होगा, तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिपल टैंक। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जाएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि रिपल टैंक किस तरह का मिलकर बना होता है। तो रिपल टैंक एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसके ऊपर एक गिलास की प्लेट होती है जिसके अंदर पानी को हम फिल कर देते हैं। जब पानी इसके अंदर फिल हो जाता है तो नीचे हम एक शीट, ट्रांसपेरेंट शीट रख देते हैं जिसपे हमें क्रिएट होने वाली वेव्स का साया, इमेज जो है नजर आएगा, और उस साये को देखने के लिए हम एक बल्ब को ऊपर से हैंग कर देते हैं। अब यहाँ ये फ्रेंड्स एक मोटर लगी है और आपके पास यहाँ पे एक वाइब्रेटर है जिसकी जस्ट एक पिन जो है वो पानी को टच कर रही है। जैसे आपके पास एक बाल्टी में पानी हो या गिलास में पानी हो, आप एक पेंसिल लें और पेंसिल के एंड को, टिप को सिर्फ अंदर ऐसे अप एंड डाउन मूव करें तो पानी के अंदर वेव्स यानी रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो वही काम हमें यहाँ पे रिपल टैंक से लेना है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ रिपल का मतलब क्या है। रिपल से मुराद है यहाँ पर वेव्स को क्रिएट करना, और हम जब उस वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो पानी के अंदर जो है वेव्स, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से वेव्स क्रिएट होंगी जो कि कुछ इस तरह से होंगी। अब हमें जब व्हाइट पेपर के ऊपर जो उसका इमेज मिल रहा होगा तो कुछ लाइंस हमें यहाँ पर डार्क मिलेंगी, कुछ डार्क लाइंस लाइट, फिर कुछ लाइन डार्क, फिर लाइट। तो हमारे पास बड़ा यहाँ पे एक रेगुलर सा पैटर्न आएगा, डार्क लाइन लाइट लाइन, डार्क लाइन लाइट लाइन। और आप अच्छे से जानते हैं कि दो आपके पास जो डार्क लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस होगा वो आपका कहलाएगा वेवलेंथ, या दो लाइट रीजन के दरमियान का फासला होगा वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, आपकी वेवलेंथ कहलाएगी। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वेवलेंथ को जनरेट कर लिया, हमने देख लिया कि हमें एक डार्क पैच मिल रहा है, एक लाइट पैच मिल रहा है, दैट्स मीन पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मूव, पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपके पास पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। यहाँ पे आपके पास रिपल जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कॉन्टिन्यूसली वेव्स की सूरत में आगे जो है वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम इन वेव्स को डिस्टर्ब मजीद करें, डिस्टर्ब मजीद क्या करेंगे कि अब हम रास्ते में कोई पार्टीशन लगा दें। अब यहाँ पे अगर हम किसी किस्म की कोई पार्टीशन लगाते हैं, कोई रुकावट लगाते हैं, कोई हर्डल लगाते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि जिस जगह पे हम कोई पार्टीशन लगाएंगे पानी वहां से कम गहरा हो जाएगा। अब पानी जब वहां पे कम गहरा हो जाएगा, पीछे पानी गहरा है, पार्टीशन की वजह से पानी वहां पे कम गहरा हो गया, जब वेव्स वहां पे आएंगी तो सीधी वहां से टकरा कर वो वापस आएंगी। अब ये जो वेव्स आ रही थी तो ये ऐसी सीधी आ रही है, लेकिन यहाँ पर टकराने की वजह से अब इनकी डायरेक्शन ऐसी नहीं रहेगी, इस तरफ नहीं रहेगी, अब ये वापस इस तरफ चली जाएंगी। अब आप देखेंगे इनका पैटर्न टोटली चेंज हो गया है, पहले ये ऐसे आ रही थी, अब इनके डायरेक्शन जो है वो इस तरफ चेंज हो चुका है। तो ये जो डिस्टर्बेंस इसके अंदर आई है जहां पे हमने एक पार्टीशन रखी है उसको कहते हैं वेव फ्रंट। और आपके पास वेव आई, इससे टकराई और टकरा कर जो है वो वापस चली गई, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बिकॉज जब वेव ने आकर इसके साथ टकराए तो उन्होंने एक एंगल इसके साथ जनरेट किया और उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक चीज आकर टकराई है, इंसिडेंट हुई है, तो उसका जो एंगल इसके साथ बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इस एंगल की वजह से ये टकरा कर जब वापस मुड़ेगी तो एंगल जो जहां पर बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वैल्यूज हैं वो सेम होगी, बस इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। सो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की, और ऑलरेडी बहुत सारी डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट हो चुकी है। तो कंटिन्यू रहते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
तो हमने यहाँ पे हर्डल क्रिएट की, वेव्स ऐसे आ रही थी, अब जब वेव्स जब ऐसे आई तो इस तरह करा के अब वो इस तरफ वापस आने लग गई हैं। उन्होंने टोटली अपने डायरेक्शन को जो है वो बदल लिया है, उनका पाथ जो पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, अब पार्टिकल्स ने ऐसे अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और आपके पास बड़ा ही एक फ्लो स्टार्ट हो गया। अब जो वेवलेंथ है पहले तो वो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन पानी अब कहीं पे गहरा है कहीं पे कम गहरा है। जहां पे पानी कम गहरा है वो जगह है जहां पे आपने पार्टीशन रखी है, जहां पे आपने हर्डल रखी है, वहां पे उसकी वेवलेंथ कम पड़ जाएगी। लेकिन जहां पे पार्टीशन नहीं है, जहां पानी गहरा है वहां पे वेवलेंथ ज्यादा ही होगी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डायफ्रैक्शन के बारे में। अब जब डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि डायफ्रैक्शन क्या है, कह रहे हैं कि अब आप ये ऐसा करें कि ये जो आपने रुकावट रखी थी, इस रुकावट को आप हटा दें। इस रुकावट के बजाय आप क्या करें कि वेव्स नॉर्मली जैसे क्रिएट हो रही थी, अब आप इनके आगे एक स्लिट लगा दें, एक दीवार लगा दें। पहले हमने जो दीवार इसके आगे लगाई उसमें हमने ओपनिंग बड़ी ही छोटी रखी, बड़ा ही छोटा सुराख रखा, और हमने देखा कि अब इमेज नीचे पेपर पर आ रहा है वो कैसा इमेज आता है। पहले तो बिल्कुल सीधी सीधी वेव्स है, अब तो कोई हर्डल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो आपके पास अब यहाँ से इमेज कैसा आएगा। तो जब आपके सामने हमने एक ऐसी स्लिट लगाई जिसमें ओपनिंग बहुत छोटी थी, तो आप देखिए जैसे एक मार्कर है, मैं इसको यहाँ से गुजारना चाह रही हूँ तो ये तो नहीं गुजरेगा, उसके लिए इसके एंड्स को बेंड होना पड़ेगा, लेकिन ये क्योंकि बहुत हार्ड है ये बेंड नहीं हो पाएगा। लेकिन वाटर की वेव्स तो सॉफ्ट है, पार्टिकल्स तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हमने नोटिस किया कि अब जो पेपर के ऊपर इमेज आ रहा है जिस छोटी ओपनिंग की वजह से, वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो हमने देखा कि आपके पास इस छोटी स्लिट की वजह से जो वाटर की वेव्स थी, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, वो सेमी सर्कुलर यानी आधे सर्कल जैसे बैंड होकर हमें ये वाले वेव फ्रंट्स जो हमने देना शुरू कर दिए, ये वाली वेव्स जो है वो हमारे पास जनरेट हो गई हैं। लास्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने अब की दफा जो स्लिट लगाई उसमें ये आपके पास होल काफी बड़ा रखा। अब जब होल हमने बड़ा रखा तो हमने देखा कि हमें जो वेव फ्रंट्स यहाँ पे इमेजेस मिले हैं उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाकी वेव्स सीधी हैं, इनके जो आपके पास मार्जिन है सिर्फ वो बेंड हुए हैं। तो हमने कहा कि आपके पास, यहाँ पे नोटिस किया कि आपके पास अगर स्लिट छोटा है तो आपकी वेव बेंड हो जाएगी, और अगर आपके पास स्लिट बड़ा है तो वेव्स के सिर्फ मार्जिन बेंड होंगे। ये जो बेंडिंग पैटर्न था, या तो पूरा सेमी सर्कुलर हो जाना या फिर आपके पास कॉर्नर्स का बेंड हो जाना, ये कहलाता है डायफ्रैक्शन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, डिस्टर्बेंस के लिए माजरत खा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।